हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक अनदर रिव्यू में। तो आज हम बात करेंगे एक न्यू साउथ कोरियन ड्रामा के बारे में, जो कि आपको एमएस प्लेयर पे हिंदी डबिंग के साथ में देखने को मिला हुआ, जिसका नाम है 818, जिसमें आपको स्कूल और रोमांस ड्रामा के बीच में दिखाया जाएगा। वो भी भरपूर कंटेंट गाइस इसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे रिव्यू बोल रहे कि इसमें तो थोड़ा सा खास नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि कोरियन ड्रामा का जो मेन सोर्स होता है कि स्कूल ड्रामा ही बहुत ज़्यादा चलता है कोरिया में, जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कूल ड्रामा देखना पसंद करते हैं बहुत लोग। जहाँ पे स्कूल ड्रामा आता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक मतलब उस पर टूट पड़ती है देखने के लिए, क्योंकि सब लोग स्कूल ड्रामा देखना चाहते हैं और उसमें कि स्कूल में क्या क्या होता है, क्या यादें रहती है, वो सब तरोताज़ा होती है ये सब देखने में। तो बात करें, ये जो ड्रामा है हिंदी डबिंग के साथ में आपको 20 एपिसोड के साथ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे अभी एमएसएन ने पूरा अनाउंस नहीं किया एपिसोड, जिसमें आपको गाइस ड्यूरेशन की बात है इसमें आपको एक घंटे के लिए सब देखने को मिलेगा। इसमें आपको अगर कास्ट की बात करें तो इसमें आपको चोई जोनसो की स्टोरी दिखाई जाती है। चोई जोनसो रहता है एक अपना सांस सा लड़का रहता है, जहाँ पे वो स्कूल में आता है, एक जिससे वो उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम था यो सोबिन रहती है। वो स्कूल की एकमात्र बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहती है, जहाँ पे इससे आके इंटरेक्ट करती है, मतलब इसे जाके बोलती है बतियाती है, जहाँ पे उस चोई जोनसो की एक लड़के से मुलाकात होती है, जो लड़के का नाम रहता है माह यो यंग रहता है, जहाँ पे उसकी भी मुलाकात होती है उससे ही, जहाँ पे जो चोई जोनसो एक लड़का रहता है बहुत ज़्यादा सांस सा रहता है, जहाँ पे जो वो सोबिन रहती है वो जाके चोई जोनसो से मिलने लगती है, जहाँ पे जो माह यो यंग रहता है वो मतलब बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगता है कि जो लड़का है इससे जाके बोलने लगती है, जहाँ पे जो चोई जोनसो रहता है और जो मायोंग रहता है बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, लेकिन जो मायोंग रहता है वो चोई जोनसो से जलने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये आने के बाद ना सब अट्रैक्शन अपने ऊपर ले रहा और सब लड़की इससे बात कर रही है, जहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा क्रश रखता था वो सोबिन से, जहाँ पे वो सोबिन वो चोई जोनसो से मतलब प्यार करने लग जाती है मन ही मन में, जहाँ पे वो मायोंग को अच्छा नहीं लगता है, वहीं पर वो जो चोई जोनसो को फंसा देता है एक चोरी के इंजाम में, जहाँ पे सब लोग मतलब कि उसका रिपोर्ट खराब रहता है चोई जोनसो का अगले भी स्कूल में, जहाँ सब अनाउंस कर देते हैं स्कूल में, जहाँ पे कोई भी उससे भरोसा नहीं करता चोई जोनसो पे और सब लोग उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं स्कूल में, और इतना नफरत चली जाती है मायोंग से। तो यह आपको गाइस ये तीनों का बेस्ट फ्रेंड और तीनों का लव ट्रायंगल आपको इसमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी आपको इसमें देखने को मिला हुआ, ज़्यादा आपको नया नहीं देखने मिलता कि जो कि आपको फैंटेसी देखने मिलता, बहुत कुछ अलग अलग आपको कहानी देखने मिलता, सेम कहानी जो कोरियन ड्रामा में रहता है स्कूल ड्रामा में आपको वही देखने को मिलेगा। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करो और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो और भी ड्रामा का रिव्यू करते हुए। थैंक यू गाइस।